अब इस कहानी का नाम ब्लू बीट क्यों है ये हमें बाद में मालूम पड़ेगा। तो अब मैं जैसे बता रहा था आपको स्टार्टिंग क्या होती है स्टोरी में। स्टार्टिंग में एक लड़की है जिसका नाम सीबिया है, 12 साल की लड़की है। और ये जो लड़की है ना ये रहती है गाँव में। कहाँ रहती है? ये विलेज में रहती है। और विलेज में रहती है और बहुत ज़्यादा पुअर होती है, काफ़ी गरीब होती है। इसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं ना वो कंपेरेटिवली इससे ठीक होते हैं। तो इतनी गरीब होती है कि खेतों में जा जाके घास काटती है और लोगों के घर पे जाके काम करती है, क्योंकि पैसा होता नहीं इसके पास, काफ़ी ज़्यादा पुअर होती है। और इसकी एक विश होती है, एक तमन्ना होती है कि मेरे पास भी अच्छी अच्छी कलरफुल क्या होनी चाहिए, बीड्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको नेकलेस पहनने का शौक होता है। आसपास जो ये लेडीज अपने देखती है उन सबके पास क्या होता है, गले में नेकलेस होते हैं। और गले में जो नेकलेस होता है वो नेकलेस किससे बनता है? बीड से बनता है, ठीक है। अलग अलग समझ लो, छोटे बीड का मतलब छोटे छोटे मोती जैसे हैं, ठीक है। कोई रेड मोती है, कोई येल्लो मोती है, कोई नीला है, कोई पीला है, ठीक है। तो आसपास ये देखती है कि लेडीज गले में नेकलेस पहन के घूम रही हैं, कलरफुल नेकलेसेस हैं, अलग अलग उसमें बीड्स हैं। तो इसका भी बड़ा मन करता है कि मैं भी ऐसी कोई माला पहनूं या ऐसा कोई नेकलेस पहनूं जिसमें मेरे भी क्या हो, कलरफुल अलग अलग बीड्स हों। लेकिन क्या होता है, इतनी पुअर होती है कि इसके पास पैसा ही नहीं होता कि बीड्स खरीद सके, ठीक है। इसके पास जो, और ये सुई, एक पिन, एक समझ लीजिए एक नीडल होती है, नीडल जिससे आप नेकलेस किससे, जो ये बीड्स होते हैं, ये जो आपके बीड्स हैं, ठीक है, ये बीड्स को आपस में एक दूसरे जोड़ा कैसे जाता है, इसमें से, इसमें अंदर होल होता है सबके अंदर, सुई आप नीडल से धागा डालते हो उसके अंदर और इन सबको, सारे बीड्स को आपस में जोड़ देते हो। तो अब नीडल में आप धागा डालते हो, उसके बाद यहाँ पे ऐसे अंदर इसको क्या कराया जाता है, जोड़ा जाता है धागा डाल के अंदर इसके, इस तो निडल चाहिए होती है, मतलब बीड्स को आपस में जोड़ने के लिए आपको निडल चाहिए। तो इसके पास जो निडल होती है ना वो भी टूटी हुई होती है, मतलब इतनी गरीबी दिखाई है इसमें सीबिया के बारे में कि इसके पास निडल ही नहीं है, निडल भी टूटी हुई है, तो इतनी ज्यादा गरीब है। अब एक दिन क्या होता है कि अब कहानी यहाँ से टर्न लेना स्टार्ट होगी। ये जो सीबिया है ये अपने मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ और जितनी भी और लेडीज हैं विलेज में, ये सारे कहाँ जाते हैं? जंगल। जंगल में क्यों जाते हैं? ये घास काटने जाते हैं जंगल में, ग्रास काटने वगैरह जाते हैं, ठीक है। अब जब ये ग्रास काटने के लिए जंगल में जाते हैं तो जंगल में क्या होता है, एक होती है नीचे रिवर, ग्रेट इंडियन रिवर बोला गया इसको आपकी पोएम में, यहाँ होती है रिवर। अब रिवर में रहते हैं कौन? क्रोकोडाइल, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टोरी के पूरे आपकी बुक में क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि क्रोकोडाइल जो है ये बहुत लंबा है, नॉर्मली एक जो लंबा आदमी होता है उससे भी डबल साइज का है, बहुत ज्यादा भयानक है, बहुत फेरोशियस है। फेरोशियस मतलब होता है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ह्यूज होता है क्रोकोडाइल। तो ये रहता है इस रिवर के अंदर, ठीक है। अब रिवर के ऊपर से क्या जा रहा है? पुल जा रहा है। रिवर के ऊपर से क्या जा रहा है? ये एक पुल है। तो अब इस पुल को क्रॉस करके जाते हैं, यहाँ पे जंगल है, ठीक है, यहाँ मान लो पूरा जंगल है ये, इधर सीबिया और यहाँ पे सीबिया है और कौन है, जितनी भी इसके साथ लेडीज हैं, इसकी मदर हैं, ये इस पुल को क्रॉस करके जाएंगे जंगल में। जंगल में क्यों जा रहे हैं? घास काटने के लिए और सामान इकट्ठा करने के लिए अपना, जो इनके यूज का है। तो अब ये जब सारी लेडीज इसमें से निकलती हैं ना सीबिया के साथ, तो ये हल्ला मचाती हैं, बहुत ज्यादा हल्ला मचाती हैं। हल्ले से क्या होता है, हल्ला क्यों मचाया जाता है, इतना चीखती चिल्लाती क्यों है? ताकि ये जो नीचे नदी में कौन बह रहे हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये मगरमच्छ क्या हो जाए, डर जाए, उससे आवाज निकलती है, थोड़े जानवर घबरा जाते हैं एकदम से। आप जानवरों के बीच में आके बहुत तेज से आवाज निकालने लग जाओ तो थोड़ा घबरा जाते हैं, ठीक है। ऐसे करने मत लग जाना, खाली मैं पोएम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब ये सारी लेडीज इसके ऊपर से निकलती हैं, चीखते चिल्लाते हुए निकलती हैं, ठीक है, तो हल्ला मचाती हैं ताकि क्रोकोडाइल डर जाए। फिर क्या होता है, अब ये यहाँ जंगल में आ जाती हैं सारी लेडीज, ये अपना अपना काम स्टार्ट कर देती हैं, अपना काम स्टार्ट करके ये लेडीज चली जाती हैं वापस। लेकिन जो सीबिया होती है, सीबिया रह जाती है कहाँ पे? सीबिया जंगल में रह जाती है। जंगल में क्यों रह जाती है? जंगल में एक होती है गुफा, गुफा होती है, केव होती है, ठीक है। उस केव के अंदर इसने ना मिट्टी के क्या बनाए होते हैं अपने, मिट्टी के जैसे चाय के प्याले, मिट्टी के जो चाय पीते हो आप, इसमें टी कप होता है, सॉसर होता है, ठीक है। मतलब अपने, इसने अपने जैसे मिट्टी के ना कुछ खिलौने टाइप के बनाए होते हैं, वो उसने केव में रखे होते हैं। तो ये उनको देखने के लिए जाती है कि मेरे मिट्टी के खिलौने कहाँ हैं। तो ये जैसे ही यहाँ पे जा रही होती है तो ये देखती है कि जो रिवर होती है, रिवर में एक लेडी होती है, ठीक है, एक वुमेन है जिसका इस बुक, आपकी बुक में कैटेगराइज किया गया है उसको, वो गुजर वुमेन है, ठीक है, वो गुजर वुमेन है, वो मेनली जंगल में रहती है, जंगली होती है। तो वो जो वुमेन होती है, आप ये सब भूल जाइए कौन है क्या है, बस ये समझ लीजिए एक वुमेन होती है, वो पानी में फंस जाती है इस नदी के अंदर, और इस नदी के अंदर क्रोकोडाइल उस वुमेन का पैर पकड़ लेता है। यहाँ पे सारी लेडीज वापस जा चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ सीबिया रह जाती है यहाँ जंगल के अंदर। तो ये अपने गुफा में जा रही होती है अपने खिलौने लेने के लिए, लेकिन जब ये जा रही होती है तो एकदम से देखती है कि यहाँ पे एक वुमेन क्या हो गई है, फंस गई है नदी के अंदर, फंस गई है नदी के अंदर, क्रोकोडाइल ने उसका पैर पकड़ लिया है और पूरा का पूरा
और ये विमेन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रोकोडाइल क्या है, जो मगरमच्छ है बड़ा ही स्ट्रांग है, उसने विमेन को क्या करा, अंदर पूरा खींच लिया है नदी के, और पूरा जो उसका पैर है क्रोकोडाइल के मुंह में है, और विमेन की टांग में से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, नदी में सारा चारों तरफ ब्लडी ब्लड फैल गया। तो ये देख के सीबी एकदम से एकदम बहादुरी दिखाती है और नदी के अंदर चली जाती है। और सीबिया के पास ना एक होता है फॉर्क, ठीक है, ये कौन सा फॉर्क है, ये घर में किचन में वाला फॉर्क नहीं है, ये एक बड़ा सा एक ऐसे होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है, ये बहुत काफी बड़ा होता है, ऐसा वेपन टाइप का होता है। तो ये जो फॉर्क होता है, गूगल की इमेजेस में देख लीजिएगा फॉर्क, ये कौन सा वाला फॉर्क है, कैसे दिखाई देता है, समझ लीजिए बहुत बड़ा सा वेपन होता है, तो काफी बड़ा इसके पास होता है, ये घास काटने में यूज होता है। तो सीबिया के पास होता है, तो सीबिया ये जो अपना फॉर्क है, जो अपना वेपन है, ये उठा के सीधा क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की आंख में मार देती है। तो मगरमच्छ क्या होता है, एकदम से तड़प जाता है आंख में, एकदम से भाई आपके मैं आपके कुछ वेपन मार दूं, छुरी मार दूं, तड़प जाओगे ना, तो वैसे ही हुआ, इसकी आंख में मगरमच्छ की पूरा जब वो चला जाता है फॉर्क, वेपन चला जाता है, एकदम समझ लीजिए तलवार आपके आंख में कोई डाल दे, तो मगरमच्छ तड़प जाता है और इस वुमेन को छोड़ देता है, वुमेन का पैर छोड़ देता है। सीबिया उस वुमेन को बाहर निकालती है नदी से, उसके जो वूंड होता है, जो उसका चोट होती है, उस पर मिट्टी लगाती है, पट्टी बांधती है, और उस वुमेन को सेफली उसके घर में छोड़ के आ जाती है, ठीक है। अब छोड़ के कहाँ आती है, अपने उसके वुमेन के घर में छोड़ आती है। अब फिर वापस वो कहाँ जाती है, फिर घर में छोड़ के उसको वापस जंगल में आती है। जंगल में क्यों आ जाती है, ठीक है, क्योंकि भाई इसको घास भी काटनी थी, घास लेके जानी थी, अपना सामान लेके जाना था, सामान भी होता है इसका। जब ये वापस आती है जंगल में, तो देखती है जो रिवर है, रिवर में एक ब्लू कलर का बीड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो रियल एक्चुअल में बीड नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है बिल्कुल मोती जैसा है, नीले रंग का ब्लू बीड होता है। उसको उठाती है, देखती है कि अच्छा बीड में छेद भी है, तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि छेद होगा तो मतलब ऑलरेडी अब इसमें धागा जा सकता है, इसको वो माला बना के पहन सकती है, ठीक है। तो वो ब्लू बीड को अपने घर पे वापस ले आती है, उसकी माँ मिलती है, माँ कहती है बेटी तू कहाँ चली गई थी, मैं तो बहुत टेंशन में थी, ये हो गया वो हो गया, मुझे डर लगा तू पता नहीं कहाँ रह गई। तो सीबिया उसको पूरी कहानी सुनाती है, पूरा नरेट करती है, माँ मैंने कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो उसकी फिर माँ एकदम खुश होती है उसकी बातें सुन के, तो और जो सीबिया है वो भी बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसको ब्लू बीड मिल जाता है, इतनी गरीब होती है उसमें बीड नहीं होते, ठीक है, तो उसके लिए जो बीड है वो बहुत बड़ी चीज है, बड़ी खुश होती है। तो अब यहाँ पे पूरी स्टोरी खत्म होती है। अब स्टोरी का इसका वो क्या है, मतलब अगर मैं स्टोरी का अगर आपसे मैसेज पूछा जाए, तो मैसेज क्या है, मैसेज ये है स्टोरी का कि हमें हमेशा ब्रेवरी दिखानी चाहिए। क्या दिखानी चाहिए, हमें हमेशा ब्रेवरी दिखाई चाहिए, और हमें सेल्फलेस होना चाहिए, ठीक है, सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, सीबिया गरीब थी, लेकिन उसके बाद भी क्या थी, बहुत बहादुर थी, उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, और किसको बचाया, उस लेडी को बचाया, वो उस लेडी को जानती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। खुद सीबिया भी मर सकती थी, मगरमच्छ उसको भी पकड़ सकता था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो नदी में उतर गई, और उसने बहादुरी दिखाई, उसने उस वुमेन को बचाया अपनी जान पे खेल के। तो ये जो कहानी है, ये हमें दिखाती है कि हमें ब्रेवरी करनी चाहिए, और हमें क्या करनी चाहिए, सेल्फलेस सर्विस करनी चाहिए, जैसे आर्मी वाले करते हैं, ठीक है, वो आपको बचाते हैं अपनी जान पे खेल के, वो आप लोगों को बचा रहे हैं, तो वही है। तो यही मैसेज है कि कभी कभी हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें और लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हमें अपने अपने बारे में ना सोच के दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जितनी हम कर सकते हैं डेफिनेटली करो। तो यहाँ पे तो ब्रेवरी की दाद दी गई है, बहुत बड़ी ब्रेवरी है। अच्छा, आप सोचेंगे इस पूरी कहानी का नाम ब्लू बीड क्यों है, ब्लू बीड क्यों है, क्योंकि ब्लू बीड उसको एक समझ लीजिए नेचर ने उसको एज अ प्राइज दी है, ये उसने अर्न करी, उसने उस लेडी को बचाया, उस लेडी को बचाया, और फिर एक तरीके से समझ लो उसको वो नदी में मिली है बीड, एज अ गिफ्ट मिली है, नेचर ने उसको गिफ्ट दिया कि तुमने एक अच्छा काम किया है तो तुम्हें ये बीड दी जाती है, क्योंकि उसको नदी में मिली, ठीक है ना। तो नदी क्या है, नदी नेचर का गिफ्ट है आपको, तो नेचर ने उसको गिफ्ट दिया कि देख देख बेटी, देख सीबिया, तुमने एक अच्छा काम किया है, एक इंसान की जान बचाई है, तो मैं नेचर मैं तुम्हें एक ब्लू बीड देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें, तो जो नदी है, नदी में उसको ब्लू बीड बनाया, मतलब एक तरीके से नेचर ने उसको गिफ्ट दिया है कि तुमने एक इंसान की जान बचाई है। तो ये इसलिए इसका नाम कहानी का ब्लू बीड है, ठीक है, वो उसको एज अ गिफ्ट मिली भगवान की तरफ से या नेचर की तरफ से, क्यों, क्योंकि उसने ब्रेवरी दिखा के सेल्फलेस सर्विस करी अपनी जान पे खेल के, ठीक है, एक एक ऐसे इंसान की जान बचाई जिसको बिल्कुल भी जानती नहीं थी, ठीक है। तो ये था गाइज मैसेज, आई होप आपको शायद पोइम अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और